seeing you at sidelines, you were very expressive to all of you. So, in your opinion, is this the toughest game that you've played so far in the tournament? Probably so far in this tournament, this is a tough game. And we know against Spain what has happened because we didn't capitalize the chances that we had. So we came back very late also in the game, but that became too late to finish it. But still, I'm happy with the current scenario. Captain Uttam Singh. Ji sir. Indian president must give you awards after awards. This is the second time I think he's got the goal in the crucial moment for India. Yes. In this tournament, I can't remember which was the earlier match, but he scored the winning goal. Thank you. So how's your feeling is match? What is your how you feel to take India to semi-finals? अच्छा लगा, काफ़ी क्लोज मैच था और हम लोगों ने पहले मैच से पहले भी यही प्लान किया हुआ था कि डच की टीम है, नीदरलैंड की टीम है, काफ़ी अच्छी टीम है क्योंकि जूनियर लेवल में हो या सीनियर लेवल में हो हम उनको हमेशा देखते रहते हैं तो अच्छा अच्छी टीम रहती है, यूरोप्स की कोई भी टीम रहती है तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं मैच से पहले। कोच साहब ने बताया कि वो यूरोप चैम्पियन है, हम एशिया चैम्पियन हैं, हमें दिखाना है कि हमारे पास क्या पोटेंशियल है, ये नहीं कि वो यूरोप चैम्पियन है तो फिर हम कुछ नहीं हैं, हम भी एशिया चैम्पियन हैं, हमें भी उनके सामने जब मैच होगा तो हमें भी कंटेस्ट देना है पूरा और ऐसा नहीं है कि हम मैच नहीं जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते, वो आपके सामने रिजल्ट है। तो एक जो कोचिंग के अलावा जो एक मोटिवेशनल होता है वो जो स्टाफ के द्वारा कोचेस के द्वारा जो हम लोगों तक आता है ना वो चीज़ें हम लोगों को मैच के अंदर काफ़ी बूस्ट करती हैं और 2-0 से हम लोग डाउन हो रहे थे लेकिन मुझे पता था कि हम लोग गेम में वापस आ सकते हैं और हमारे कोचेस को भी पता था, टीम स्टाफ वो हम लोगों को यही बोल रहे थे। अभी हम लोग जब ड्रेसिंग रूम में गए हाफ टाइम में तो ये लोग बोले कुछ नहीं है 2-0, आप 4 नहीं आप 5 मार सकते हो। वो जो बिलीव अंदर आ रहा था ना वो चीज़ हम लोगों को लेके आई तो एक दूसरे को जो ट्रस्ट दिखाया हम लोगों ने वो चीज़ें हम लोगों को कम बैक करी के